आज की इस ब्रांड न्यू वीडियो में बात करने वाले आईफोन 11 डिसकंटिन्यू होने वाला है या नहीं, उसी के साथ साथ आईफोन 11 का इस समर सेल में कौन सा प्राइस रहने वाला है और कौन से प्राइस के परचेस करना चाहिए। सो गाइस, मेरा नाम है ध्रुवीन और आप देख रहे हो आईटेक हब हिंदी यूट्यूब चैनल। आपने अभी तक मेरी चैनल को लाइक कमेंट से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारे आईफोन यूजर्स को एक मन में क्वेश्चन है कि आईफोन 11 डिसकंटिन्यू होने वाला है या नहीं, और डिसकंटिन्यू होने वाला है तो हमको परचेस करना है तो कौन सी प्राइस में बेटर परचेस कर सकते हैं। इस सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। जैसे कि एप्पल ने आईफोन 13 सीरीज को लॉन्च करने के बाद आईफोन X सीरीज को डिसकंटिन्यू किया था, वैसे ही आईफोन SE थर्ड जनरेशन को लॉन्च करने के बाद आईफोन SE 2020 को भी डिसकंटिन्यू कर दिया है। वैसे ही आईफोन 14 सीरीज को लॉन्च होने में थोड़ा ही टाइम बचा है, उसके लॉन्च होने के बाद आईफोन 11 को डिसकंटिन्यू कर सकता है। आईफोन 11 को डिसकंटिन्यू करने के बाद हमको कौन से प्राइस में परचेस करना चाहिए, अभी परचेस करना है तो कौन सा प्राइस बेटर रहने वाला है। अभी आपको पता होगा कि अमेजोन या तो फ्लिपकार्ट में समर सेल चल रहा है। समर सेल में आईफोन 11 की प्राइस आपको मिलती है 40,000 अराउंड अपने फ्लिपकार्ट में मिल जाती है। उसी के साथ साथ आप परचेस करते टाइम कोई डेबिट कार्ड या तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करके आप 2000 का डिस्काउंट, यानी कि आपको मिलने वाला है 38,000 का ए आईफोन 11। आईफोन 11 को परचेस करने का ए टाइम बहुत ही सही टाइम मिलने वाला है और प्राइस भी बहुत ही कम है और आप इजीली आईफोन 11 को परचेस कर सकते हो। मेरा सजेशंस की बात करें तो आईफोन 11 से बेटर प्राइस थोड़ा पैसा ऐड करके आपको आईफोन 12 परचेस कर सकते हो। आईफोन 12 की प्राइस की बात करें तो 45,000 से आपको 50,000 में ए प्राइस मिलने वाला है। जैसे कि आईफोन 13 सीरीज में आपको A15 चिप मिलने वाला है, वैसे ही आपको आईफोन 11 में आपको A13 चिप है और आईफोन 12 सीरीज में आपको A14 चिप मिलने वाला है। इस अमेजोन या तो फ्लिपकार्ट समर सेल में आप इजीली बहुत सारा डिस्काउंट अचीव करके आप इजीली बेस्ट प्राइस में आईफोन 11 या तो आईफोन 12 परचेस कर सकते हो। दूसरी बात ये रही कि आईफोन 11 डिसकंटिन्यू होने के बाद उसका वैल्यू कम नहीं होने वाला है, बिकॉज आईफोन X सीरीज को डिसकंटिन्यू करने के बाद उसके प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं मिलने वाला है। आपको आईफोन 11 परचेस करना है तो ये सही टाइम में आप अमेजोन या तो फ्लिपकार्ट में डिस्काउंट लेके आप इजीली परचेस कर सकते हो। आईफोन 11 या तो कोई भी iOS डिवाइस के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम या तो कोई भी क्वेश्चन हो, बेझिझक आप अपने मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप बता सकते हो। मैं इसका सॉल्यूशंस एज सुन एज पॉसिबल आपको यूट्यूब पे अपडेट कर दूंगा। सो गाइस, आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट से सब्सक्राइब, आपके फ्रेंड को भी शेयर कर देना ताकि ऐसे रिगार्डिंग डिटेल्स या तो ए टेक फीचर्स के बारे में वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।